लाइट नहीं है। ये वाला लाइट बंद कर दो, पीछे वाली देखो, पीछे वाली लाइट बंद करो, सभी आ गए। नहीं, पीछे वाली, वो वाली चला रहा। हाँ वो चला। आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले लगभग 40 घंटों में दिल्ली में एक भी नया कोरोना का पेशेंट नहीं आया है। हमारे पास टोटल दिल्ली में अभी तक 30 पेशेंट्स हुए, उनमें अब कमी आने लगी है, लोग ठीक हो के घर जा रहे हैं, और अब 23 पेशेंट्स रह गए हैं दिल्ली के अंदर 30 में से। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि पिछले 40 घंटों में एक भी नया पेशेंट नहीं आया। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी ये संख्या बढ़ सकती है, कभी भी ये बुरी तरह से फैल सकता है। पिछले 24 घंटे में इटली में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका कितना डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इतने बड़े बड़े और इतने विकसित देश कोरोना को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हमें भी जितनी सतर्कता से अभी तक हमने काम किया, जितनी मुस्तैदी से हम सब लोगों ने, आपकी सरकार ने आपके साथ मिलकर काम किया, उतनी सतर्कता के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। कल लॉकडाउन किया था, आज से कर्फ्यू चालू किया दिल्ली के अंदर। मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। हम सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आपकी सारी तकलीफ़ें हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तकलीफ़ें कैसे कम हो उस दिशा में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन इस वक्त सब लोगों की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सारे कदम उठा रहे हैं, इतने कठोर कदम उठा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे और इसमें, इन कठोर कदमों में पूरी तरह से साथ देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग इस वक्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारे भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है कि जब मुसीबत में होते हैं तो हम सारे एक दूसरे की मदद करते हैं। कल मैंने कहा था कि कई गरीब लोग ऐसे हैं जो अपना रोजी रोटी रोजाना कमाते थे, खाते थे, और वो किराए पे रहते हैं, वो अपना किराया नहीं दे पा रहे होंगे। तो मैंने कहा था भाई, कोई भी किराएदार अगर किराया देने की हालत में ना हो तो मकान मालिक उनके 1 या 2 महीने का किराया टाल दे। मैं ये नहीं कह रहा माफ़ कर दे, 2 महीने बाद ले ले, किश्तों में लगा ले, अभी के लिए थोड़े दिन के लिए टाल दे। मुझे बहुत खुशी है, कल से इतने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है जी मैं मार्च का किराया नहीं लूँगा, मैं मार्च और अप्रैल का किराया पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं ख़ास तौर से, राज बैंसला जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने, उनके कई सारे किराएदार हैं, उनके कई सारे, उन्होंने कहा मैं मार्च का किराया नहीं लूँगा। अनिल कौशिक जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने ड्राइवर और ये सारे जितने मेरे कर्मचारी हैं उनको मैं पूरी तनख्वाह दूंगा, और उनका किरा, उनसे मेरे जितने किराएदार हैं उनसे किराया भी नहीं लूंगा। नवीन नाम नंबरदार जी हैं,
उन्होंने भी कहा है कि मैं अपने किराएदारों से किराया नहीं लूँगा। आज़ाद शौकीन जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने, ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं। मैं सबसे पहले इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आप जो काम कर रहे हो ये सब पुण्य का काम है, यही असली देशभक्ति का काम है। हम सारे देशवासियों को एक साथ मिलके इसका मुकाबला करना है। एक एडिशनल डीसीपी हैं पुलिस में, सुकांत बल्लभ जी, नॉर्थ ईस्ट के एडिशनल डीसीपी हैं। मैंने उनकी कहानी पढ़ी कि किस तरह से जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू चल रहा था, और एक बुजुर्ग व्यक्ति को डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना था, उनको एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही थी, कोई साधन भी नहीं मिल रहा था, अपनी गाड़ी में बिठा के सुकांत जी उसको अस्पताल छोड़ के आए हैं। बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं और इस तरह से प्रेरणा मिलती है एक दूसरे से। ये बहुत कठिन समय है, इस कठिन समय में हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है। मैंने कल कहा था कि आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भूख से नहीं मरना चाहिए। भूखे को रोटी खिलाने का बहुत पुण्य होता है। सरकार तो कर रही है, हम लोगों ने बहुत जगह नाइट शेल्टर्स में खाना खाना बांटने का काम किया है, लंच और डिनर दोनों दे रहे हैं। जो बेघर लोग हैं वो भी आ रहे हैं। आप बेघर हो ना हो, अगर आपके पास, आपके घर में खाने को इस वक्त नहीं है, आप किसी भी नाइट शेल्टर में जाके खाना खा सकते हैं। और मैंने देखा है कि नाइट शेल्टर्स में इस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो हम इनकी रैन बसेरों की संख्या भी काफ़ी बढ़ा रहे हैं और कई नई जगहों के ऊपर हम खाने का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने सामने आके खुद जिम्मेदारी, कोई कह रहा है जी मैं 10,000 पैकेट्स खाने के बांटूंगा, कोई कह रहा है, गौरव राय है, उन्होंने कहा है जी मैं अपने पूरे कॉलोनी और आसपास की जितनी झुग्गी बस्तियां हैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से लोग सामने आ रहे हैं और लोगों के आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यही असली देशभक्ति है और यही असली पुण्य का काम है। आप सब लोगों को ये ठानना है कि मेरा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरे पड़ोस के 3 या 4 घर भूखे नहीं सोने चाहिए। अगर सारे जने ये ठान लेंगे, दिल्ली के अंदर अपने सारे जने ये ठान लेंगे कि मैं, ये मेरी गली में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और ये जो इतनी बड़ी हमारे ऊपर कठिनाई आ गई है, तो ये कठिनाई हम बड़े आराम से इसको झेल सकते हैं। लेकिन एक दुख है मुझे और मैं आप लोगों के साथ अपना दुख साझा करना चाहता हूँ। हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे रविवार को शाम को 5 बजे अपने अपने घरों की खिड़कियों पे आके, दरवाजे पे आके, बाहर निकल के ताली बजाई थी, घंटियां बजाई थी। किस लिए बजाई थी? हमने इसलिए बजाई थी कि हम अपने सभी डॉक्टर्स के शुक्रगुजार हैं, हम अपने सभी नर्सेस के शुक्रगुजार हैं, हम अपने उन सारे पायलट्स के, एयर होस्टेसेस के शुक्रगुजार हैं जो इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर उन देशों से हमारे भारत के लोगों को लेके आए जहाँ पे बीमारी बहुत फैली हुई थी। उन्होंने, इन सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, कंपाउंडर्स ने, पायलट्स ने, एयर होस्टेस ने अपनी जान दांव पे लगाई। हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। उन लोगों के लिए हमने ताली बजाई, उन लोगों के लिए हमने ताली बजाई, घंटी बजाई। लेकिन अब मेरे को कहीं कहीं से ये सुनने को मिल रहा है कि फलाने फलाने मकान मालिक ने अपने किराएदार, उसको, नर्स को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये नर्स तो सारा दिन कोरोना के मरीजों में घूमती है, इसको मैं नहीं रखूंगा। कहीं पे पता चला कि एयर होस्टेस को कॉलोनी में नहीं घुसने दे रहे, कहीं पे पता चला कि पायलट को कॉलोनी में नहीं घुसने दे रहे। ये तो सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये लोग आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं और हम इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कल को अगर आपके परिवार में किसी को अगर कोरोना हो गया तो फिर आप किसके पास जाओगे? आप इन्हीं डॉक्टर्स के पास तो जाओगे, आप इन्हीं नर्सेस के पास तो जाओगे जिनको हम आज इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें ये बिल्कुल मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। अगर किसी को इनमें से कोरोना होता है तो इनका भी इलाज करवाएंगे ना, किसी पायलट को होगा उनका भी इलाज कराएंगे, किसी एयर होस्टेस को होगा उनका भी इलाज कराएंगे, अपने लोग हैं, अगर किसी डॉक्टर को होगा उसका भी इलाज कराएंगे, लेकिन अभी उनको नहीं है। तो इस तरह से भेदभाव करना और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना सही नहीं है। उनके लिए तो तालियां बजानी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए।
तो ये कसम खाओ कि अब इनके साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करोगे, अब इनके साथ इस तरह का बिल्कुल व्यवहार नहीं करोगे। तो दिल्ली में जैसे मैंने बताया आज 30 पेशेंट हैं, लेकिन हमें आगे की तैयारी करनी है, हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है कि कहीं अगर ये ये जो एपिडेमिक है, महामारी है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। इसकी आज हम तैयारी हम कर रहे हैं कई दिनों से। आज मैंने 5 बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम बनाई है। डॉक्टर सरीन हैं, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने 5 लोगों की टीम बनाई है एक्सपर्ट्स की। वो मेरे को अगले 24 घंटे के अंदर पूरा प्लानिंग बना के देंगे कि क्या हम अगर स्टेज 3 में दिल्ली एंटर करता है, जब ये महामारी फैल जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये मुझे 24 घंटे के अंदर उसकी सारी रिपोर्ट बना के देंगे और जो जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम तैयारी रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, हम कभी स्टेज 3 में ना जाएं, कभी ये महामारी ना फैले, 30 से ज़्यादा केस ना हो। लेकिन अगर हो जाता तो तैयारी तो करके रखनी है अपने को। दूसरा, जितने मजदूर हैं दिल्ली के अंदर, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, आज हम लोगों ने तय किया है कि उन सब लोगों को हम 5,000 रुपये देंगे, ताकि इस वक्त उनकी रोजी रोटी चली गई। ये सब दिहाड़ी मजदूर थे, इनके ये रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। तो इन सब लोगों को, जितने भी दिहाड़ी मजदूर, जितने कंस्ट्रक्शन मजदूर थे, इनको सबको हम 5,000 रुपये देंगे। और जैसा मैंने बताया, नाइट शेल्टर्स की संख्या हम दिल्ली में बहुत और कई सारे सेंटर्स खोल रहे हैं, जहाँ पे खाने की अगर किसी को भी दिक्कत है तो वहाँ जाके वो खाना खा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से एकजुट होकर हम सब लोग इसका सामना कर रहे हैं बीमारी का, हम इस पे ज़रूर ऊपर वाले के दया से ज़रूर काबू पा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।